वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले वीडियो में नहीं कह सकता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना मैं अपनी एनर्जी बचाने के लिए कह रहा हूं। आपने जब भी क्वेश्चन पूछना है गाइडेंस के लिए, ये क्या बताना है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ। दूसरा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने नहीं की है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है साथ साथ में, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी करना चाहते हो उस सब्जेक्ट का अभी से सोचना पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट का आपको पता है। तो ये दो फैक्टर हैं जिनसे गाइडेंस जो है मेरी टाइम एनर्जी और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और जिनका मतलब जनरल है। आप क्वेश्चन कैसे पूछो, ऐसे आपने लिखा ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन डिग्री का नाम, फॉर एग्जाम्पल बीएससी वट एवर हिज, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, मान लीजिए बायो है ना, केमिस्ट्री है ना, जो भी पढ़ा है आपने, वट एवर पढ़ा है वो, और पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं लिखना, पीजी है ना, अगर है तो डन है तो आप उसका नाम लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स की है ना, जहाँ वांट टू यहाँ आ जाएगा, वांट टू पीजी, वांट टू मैथ्स उसका सब्जेक्ट लिख दो तो इजी हो जाएगा कि आपने किधर जाना है। हाँ, अगर कन्फ्यूज़न है, कुछ और है, फिर वो सेंटेंस लिखो। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट किस में है, इंजॉय किसको कर रहे हो, नॉलेज एरिया के क्या है, फॉर एग्जांपल वो टीईटी जो करना है सेलेक्ट, उसमें जो सब्जेक्ट चूज करने हैं, और सिलेक्शन टेस्ट है उसकी तैयारी, उसके लिए महायुद्ध करना पड़ना है, वो सिलेक्शन टेस्ट में आपने युद्ध करना है, तो अभी से आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें नॉलेज और इंटरेस्ट आपका ज्यादा है। इस वाई ये चीजें आप बताओगे तो अच्छा लगेगा, क्या यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, किसके टीचर, इंटरेस्ट आपका और नॉलेज एरिया सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में। थैंक यू।